हेलो फ्रेंड्स फ्रेंड्स, कल बहुत अच्छी बारिश हुई। बहुत अच्छे से मेरे पौधे जो है खिल रहे थे। और अभी देखिए, पानी की जितनी भी मेरे समर में कमी रह गई थी, तो पौधे अब जो है वो ठीक होने लगे हैं धीरे धीरे कर, क्योंकि बारिश का सीज़न जो है स्टार्ट हो चुका है, तो पौधे अक्सर खुशी हो जाते हैं। तो देखिए, ये सब्जी मेरा है, ये अम्बड़ भाजी है वाइट वाला, और कुछ पौधे, सभी जो सब्जियां की, फूल की, जितने भी मेरे पौधे थे सब खिल रहे हैं। लेकिन इतने सारे, अभी बहुत सारे फंगस अटैक हुए थे, मिली बग्स हुए थे, सबको मैंने ठीक कर दिया है अभी। और सुबह से मैंने गार्डन में काम भी किए हैं, और साफ़ सफाई भी करना ज़रूरी है। इसी चलते मैं कुछ सामान अंदर उठाना, बाहर रखना, बहुत काम कर रहे थे। देखिए, फ्लावर पूरे खिल रहे हैं। पहले जो समर में थी, बहुत छोटे से इसके हो रहे थे और खिल भी नहीं पा रहे थे। अब देखिए कितना अच्छी सी हरे भरे पौधे भी हो गए हैं और खिल भी रहे हैं। तो अभी इस समय जो है, मैं अच्छी सी जो मेरे सीडलिंग्स वगैरह होती है, तो अच्छी वो बढ़ कर आती है। देखिए, बहुत अच्छी बारिश हुई थी। मैंने इसको उल्टा रखा था क्योंकि पानी ठहरा था इसमें, चेयर्स वगैरह। और ये फल फ्रूट सब मेरे पौधे जो हैं वो भी बढ़ेंगे अब अच्छे से, जैसे ही रेनी सीजन स्टार्ट होती है। देखिए, सभी कलर्स में है, लेकिन मिली बग्स लगने की वजह से खिल नहीं पा रहे हैं। तो मैंने आज बहुत काम किए हैं। मैंने जितने भी मेरे पॉट्स में जो फ्लावर नहीं बन रहे थे, उन सबको मैंने लीफ वगैरह हटाकर नीम ऑयल की वाटर में मैंने उन सबको डुबो डुबो कर कटिंग्स फिर से लगा दिए हैं। और यहाँ पर भी मैंने थोड़ी सी कटिंग वगैरह कर दी है, कुछ अलग सा। इनमें भी मिली बग्स ग्रीन कलर के थे कुछ, उस तरह से देखने में तो मिली बग ही लग रहा था। फिर उन सबको भी मैंने थोड़ी सी ट्रीटमेंट की है आज। और ये देखिए, समर में तो एक बार भी फूल नहीं इसमें आया था, बहुत छोटा आया था, लेकिन इस अभी देखिए पूरा मेरा भर गया है। और एक ग्रेप्स वाइन है, इसकी ग्रोथ अच्छी हो रही है अभी। अभी सनफ्लावर रोज, बेबी सनरोज जो है ना, इतने अच्छे फ्लावरिंग कर रहा है, हर रोज़ निकल रहे हैं, हर रोज़। देखिए, इतनी अच्छी धूप रहती है और शाम में बारिश आती है, तो मौसम पौधों को बहुत पसंद आती है। तो ये देखिए, सभी बर्ड से भर रहा है, यहाँ सब देख सकते हैं आप। मुझे समर बिल्कुल भी पसंद नहीं होती है, क्योंकि मेरा हालत बहुत ख़राब हो जाता है, मेरा और मेरा गार्डन का। तो देखिए, फ्लावर्स वगैरह अच्छे खिल रहे हैं। और ये वाला एक प्लांट था, उस पर भी कुछ ऐसे ही अटैक हुआ था, फिर मैंने ठीक कर दिया, तो उसमें भी हिबिस्कस फ्लावर जो है वो बन रहे हैं। और ये सब देखिए, ये सब हटाना है मुझे अभी एक हफ्ता, धीरे धीरे टाइम निकाल कर मैं जब सूख जाएगा तब मैं थोड़ी थोड़ी सी काम कर लूँगी इस हफ्ते। ये ट्यूब रोज़ देखिए कितने अच्छे से, बहुत सारे बर्ड्स आए हुए, बहुत मतलब बहुत हर जगह बर्ड्स आए हुए। मैंने जितने भी प्लांट्स में लगाए हुए थे सब में बर्ड्स आकर फ्लावर हो गई है। अभी ये भी फ्लावरिंग करेगा, ये कुछ अलग फ्लावर है, इसका नाम मुझे नहीं पता है, मेरे फ्रेंड दिए थे, मैं इसका वेट कर रही हूँ फ्लावरिंग का। अभी ये मोगरा भी चल रहा है, इसमें भी बहुत फूल्स आते ही रहते हैं। और ये देखिए, इनमें ख़त्म हो चुके थे, फिर बर्ड्स बन रहे हैं। और अनार के लिए एक कमेंट में उनका नाम मैं अगली बार लूँगी, उन्होंने मुझे सजेस्ट किया है कि मैं इसको नीचे जो है मिट्टी में विनेगर डाल दूँ, तो मैं वो ट्राई करूँगी, ज़रूर ट्राई करूँगी। और मैं उनको थैंक यू भी बोलूँगी कि उन्होंने मुझे अच्छी टिप्स दी है। और देखिए, इस तरह से फैला फैला सा लग रहा है। अभी मुझे क्लीन करने की वजह से जो है, मैं सभी मेरा डक्स मशरूम जो है वह मैंने अंदर की इस रूम में रखा हुआ है। अभी मुझे सब क्लीनिंग वगैरह होने के बाद मैं लेकर आऊँगी इधर। देखिए, फ्लावर्स जो बन रहे हैं वो अलग बन रहे हैं। और इस तरफ मैं दिखाती हूँ, चलिए, मैंने कुछ प्लांट्स भी खरीदी है और मैंने लगा भी दिया है, थोड़े ही चार पाँच छः लाई थी मैंने, तो उनको मैं आपको दिखा देती हूँ एक बार, फिर के दूसरे वीडियो में मैं आपसे
उन प्लांट्स के बारे में बताऊंगी। और ये देखिए, ये वाला मैंने लाए थे, फ्रूट का प्लांट है ये, अभी से फ्लावरिंग बन रहे हैं। अभी इतने दिन से ये मेरे बैंगन भी फ्लावर सब झड़ रहे थे, अभी फ्लावर टिक रहे हैं, बहुत ही अच्छी सी फ्लावरिंग हो रही है। अब ये फल बनने लगे हैं छोटे छोटे से, और ये एक ही बना था समर में, तो उसको मैंने छोड़ दिया है बीज बनने के लिए। अभी वो पक रहा है, बहुत दिन हो गए वो, तो देखिए फ्लावर नहीं झड़ रहे हैं। तो इस तरह से मैं अभी आजकल सभी यही साफ़ सफाई कर रही हूँ, और मिट्टी ऊपर का मैं हटा कर थोड़ी सी, क्योंकि एक दो पॉट्स में मेरे इतने सारे ऊपर एक बेड की तरह पौधे, मतलब वो थोड़ी छोटी छोटी सी जंगली का पौधे जो है फैल गया है। और ये देखिए, ये मेरे एप्पल को मैंने लाई थी, और बहुत अफसोस हो रही है, इसमें कुछ पानी मैं नहीं डाल पा रही थी, एक हफ्ते से बारिश भी नहीं हो रही थी, पानी बहुत दिक्कत हो रही थी। और ये अभी मैंने इसको लगाया नहीं था, पैकेट में ही रख दिया था, और पैकेट की जड़ जो पैकेट से उसकी रूट्स जो है बाहर आ गई थी, और वो जल रहे थे शायद धूप की वजह से, छत के ऊपर मैंने रखी थी ना, तो पौधे ऐसी हालत हो गई है, शायद वो ठीक हो जाए, वही मैं सोच रही हूँ। और ये एक फ्लावर प्लांट है, बहुत ही अच्छी खुशबू रहती है इसमें, ये ग्राफ्टेन वाला है, देखिए यहाँ पर ग्राफ्ट किया हुआ है, इसको मैंने लेकर आई है, और क्रीपर वाइन भी मैंने लेकर आई है, और एक मैंने फ्लावर प्लांट लाई, वो मैं अगली वीडियो में दिखाऊंगी। और ये देखिए, ये वाटर एप्पल, और ये देखिए यही सब मैंने पत्तियाँ जितने भी मिली बग्स थे सब मैंने हटा कर नीम ऑयल में लगा कर मैंने यहाँ पर रख दिया है। बस यही चल रहा है मेरा कुछ, और बहुत काम अभी करना बाकी है, फ्लावरिंग भी हो रही है अच्छी।